لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي والمرسلين وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم इस और इस महीने की 10 दुलहन को ईद उल अदहा बनाई जाती है, क्योंकि हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद है। हजरत इब्राहिम ने जो पाप देखा था मुजफ्फर की का, मैं अपने बेटे इस्माइल को जिदा कर रहा हूँ, और मीना में ले जाकर जिबा किया, अमली तौर पर जिबा किया, लेकिन जब मुतमईन हो गए कि मैं जिबा कर चुका हूँ, आप मुझसे पतिया भाई देखा इस तई खड़ा है तुम पर जिबा हो, परेशान हो गए, परेशान हो गए, शायद के लिए तो पानी कबूल नहीं है। अगर फरमाया नहीं जायज नहीं, तब सब तक कर रो यार इतना कजा ले कर मैं रूप से तूने अपने इस काम को सच्चा जान दिखाया, काम ने को कार लोगों को मोस्ट नीड को इसी तरह बदला दिया कर वफदाइना और बेजिबेना अजीम, इसका फिदिया हमने जिबे अजीम के साथ दे दिया, जिबे अजीम के साथ दे दिया। यही वो जिबा अजीम है कि जिसकी उस वक्त से लेकर क़यामत तक ये याद बाकी रहेगी, और उसी तरह इस्माइल के फिदिये में ये कुर्बानियां होती रहेंगी। तो कुर्बानी हजरत इस्माइल की याद ईद उल अदहा, एक शख्स आए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर सवाल किया, मौला इस्लाम में एक साल में कितनी ईदें हैं, कितनी ईदें हैं? आपने फरमाया ईद उल फित्र और दूसरी ईद उल अदहा और तीसरी ईद उल जुमा, बस अभी आपने ईद उल जुमा फरमाया। सैयद ने सवाल कर दिया और सैयद ने सवाल किया और आपने फरमाया ईद उल गदीर, ईद उल गदीर, बल्कि ये सब ईदों से बड़ी ईद है, ये सब ईदों से बड़ी ईद है। ये तकमील दीन का दिन है, जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ। अब जिसका भी दीन इस्लाम के साथ ताल्लुक है वो इस ईद उल गदीर के दिन को खुशी का इजहार करेगा, जरूर करेगा। जो ईद उल गदीर को ईद नहीं समझता, समझो तो उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं। हकीकत में जब तक ईद उल गदीर न मनाई जाए उस वक्त तक इन तमाम ईदों का हक ही अदा नहीं हो सकता। किसी ने मुझसे सवाल किया था, बेटा जी शियों ने कौन सी नई बिदत ईजाद कर रखी है? मैंने कहा कौन सी? इस्लाम में तो दो ईदें हैं, ये ईद उल गदीर कहां से आ गई? मैंने कहा ईद उल फित्र क्यों मनाते हो?
मैंने कहा ईद उल फितर क्यों मनाते हो? उसने कहा ये शुक्रिया के तौर पर खुशी में कि भाई रमजान का महीना आया, वो मुकम्मल हो गया, हमने रोजे रख लिए। मैंने कहा एक महीना आया, इस्लाम की फरमात में से एक फरा के मुकम्मल होने पर तो ईद मनाते हो, जिस जहां पूरा दिन मुकम्मल हो जाए वहां ईद नहीं है? जहां पूरा दिन मुकम्मल हो क्या वहां ईद नहीं है? वो कदर चावला ईद है और तमाम ईदों से बड़ी ईद है। तो ईद जो कुर्बानी, जब कुर्बानी जो है तो कुर्बानी की जाती है कि हाजी के लिए वाजिब है, यह हज तमत्तो का ये बात पर कुर्बानी और हाजी के लिए वाजिब है, लेकिन जो गैर हाजी है उसके लिए सुन्नत मुअक्कदा है। मुअक्कदा का मतलब यह है कि ऐसी सुन्नत है जिसके अदा करने की ताकीद की गई है, वाजिब नहीं है पर वाजिब के करीब करीब है, वाजिब नहीं है वाजिब के करीब करीब है। हजरत उम्मे सलमा की रिवायत मिलती है, एक दफा जनाब रसूल अल्लाह से पूछा कि या रसूल अल्लाह मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मैं कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकती हूँ? आप फरमाया हाँ कर्ज लेकर कर सकती हूँ, अगर इसी तरह है तो अल्लाह ताला इस कर्ज के उतारने के लिए वो खुद अस्बाब बनाए, कर सकती है कुर्बानी। तो बहरहाल अब इस कुर्बानी के लिए चंद चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, कुर्बानी के लिए चंद चीजों का। पहली बात, कुर्बानी कुर्बतर अल्लाह की जाए, कुर्बानी कुर्बानी लगती है, किसी की दिखावे के लिए कुर्बानी ना हो, व्यापारी ना हो। पता नहीं पिछले दफा तो जानवर सस्ते थे, इस दफा महंगे हो गए, अब कुर्बानी का जानवर नहीं लेता नहीं करता कुर्बानी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लिहाजा कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। बार बार ये कहा जाता है सही गोश्त वास्ते लोग बाल बाल लोग के लिए बोलते हैं, लेकिन अपने घर का गोश्त आज उसकी आप है कि खास ये कुर्बत अल्लाह का हुआ या लोगों के दर्द से हुआ या पेट के दर्द की वजह से हुआ? ये कुर्बानी पेट के दर्द की वजह से या लोगों के दर्द से? ये कुर्बत अल्लाह नहीं हुई भाई, पहले तो हम फलान रिश्तेदार के घर में गोश्त पहुंचाते थे, इस दफा में गोश्त न पहुंचाए तो क्या करेंगे, कुर्बानी नहीं होती? फिर वो भी पूछते हैं क्या कहते हैं, शहीद का मुहूर्त नहीं दिखता कुर्बानी ना लेकिन दिखती है, एक बार थोड़ा दिखते रहे एक बार छोटी कुर्बानी दिखती तो उनको कहे दो भाई नहीं की है कुर्बानी, एक दफा नहीं किए नहीं कौन सी आफत आ जाएगी, कौन सी शर्म की बात है, एक दफा महंगे जानवर से मैंने छोटा जानवर ले लिया, इसी ने बहुत थोड़ा है आपकी तरह नहीं पहुंचा सका, इसमें कौन सी शर्म की बात है? कोई शर्म की बात नहीं। इसके अलावा अखलाक याद के तकाबों में से ये भी है कि पूछने वालों को भी नहीं पूछने जाना, ये भी याद रखना चाहिए, अगर किसी ने नहीं पूछा खुद समझ जाए तो मजबूरी होगी, ये गलत काम है अखलाक याद के खिलाफ है, उनको पूछा जाए सही गोश्त नहीं आया क्या बचा, क्या थोड़ा है क्यों, क्या बचा, सही कुर्बानी नहीं की क्यों नहीं की थी, क्या बचा, ये सवाल नहीं करने चाहिए किसी को। कुर्बानी किए या नहीं की, नहीं की तो क्यों नहीं, ये सवाल नहीं करते। कुर्बानी कुर्बत अल्लाह की जाए, इसके अलावा कुर्बानी की उम्र, कुर्बानी की उम्र कितनी हो, हमारे उम्र की कुर्बानी तो की नहीं जाती,
हमारे कुर्बानी की जाती है, भेड़ बकरी डुम्बा गाय। तो डुम्बा या भेड़ है तो उसके लिए 6 महीने का होना जरूरी है, 7वें में दाखिल, 7वें में दाखिल। अगर भेड़ अगर गाय या बकरी है तो 1 साल की दूसरे साल में दाखिल, 1 साल मुकम्मल हो चुका। अगर कोई ऊंट 4 साल का हो 5 महीने दाखिल। लेकिन एहतियात की बिना पर ज्यादा एहतियात का तकाजा ये जो कि हाजियों के लिए है, एहतियात का तकाजा हाजियों के लिए बात भी कुर्बानी है कि डुम्बा या भेड़ 1 साल की दूसरे साल में दाखिल हो एहतियात की बिना पर, और गाय या बकरी 2 साल की तीसरे साल में दाखिल हो, ऊंट हो तो 5 साल का 6 साल में दाखिल हो। लेकिन ये याद रहे मुस्ताफी कुर्बानी की रियायत और सिस्तानी की करी, वो कहते हैं कि ये 7 अगर कुर्बानी यानी डुम्बा या भेड़ आए तो 7 महीने मुकम्मल हो 8वें में दाखिल हो, आए तो सिस्तानी है 7 महीने मुकम्मल 8वें में दाखिल हो। के करीब 6 महीने मुकम्मल 7वें में दाखिल, पर जो जिसको मुकम्मल है उसके मुताबिक अमल करें। तो यह है उम्र की बात। इसमें कहते हैं कि डुम्बा होना 2 दांत वाला ये कोई शरायत में नहीं है, उम्र का पूरा होना शर्त है, 2 दांत वाला हो या ना हो। उनका कायद इमामे नहीं किया उम्र पूरी हो, ये हमारे इत्राजान है जो सुन्नत के करीब होगा तो होगा, तो 2 दांत वाला होगा वरना उम्र का लिहाज रखा जाए, उम्र पूरी हो 2 दांत वाला हुआ हो या ना हुआ हो। अच्छा, लेकिन वो उम्र का अंदाजा भी किसी माय से लगवाने नहीं, उम्र का अंदाजा भी किसी माये से लगवाना चाहिए, माये इन हवानात के उम्रों को मालूम करने के लिए तो माये डॉक्टर होता है उससे मालूम करना चाहिए। तो सुस्तान फरमाते हैं जो माहरीन आए तो ही तुमको जानवर की उम्र बताएंगे, जिस पर कम से कुर्बानी खरीदी जाए माल हलाल से, जिस रकम से कुर्बानी खरीदी जाए माल हलाल से, अगर माल हलाल आए तो मुजक्का और मुखम्मस हो, माल हलाल का माल आए मुजक्का और मुखम्मस हो, उस माल से ज़कात दी जा चुकी हो, अगर उस पर खुम्स वाजिब हो गया तो उस माल पर तो खुम्स अदा किया जा चुका हो। अगर मुजक्का और मुखम्मस नहीं है या माल हराम है तो फिर आपकी कुर्बानी नहीं हो, उसके जरम नहीं है। और इसके अलावा ज़िबा करने के लिए आयत अल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि लोहे के छुरी इस्तेमाल की हो ज़िबा करने की, आयत अल्लाह सिस्तानी के करीब जो है आयत अल्लाह सिस्तानी के मुताबिक है लोहे की छुरी इस्तेमाल की जाए, शरीर की छुरी इस्तेमाल ना की जाए ज़िबा करने की। हाथ मतलब घाव उतारना या गोश्त बनाना गोश्त शरीर की छुरी के साथ कर सकते हैं, लेकिन ज़िबा शरीर की छुरी के साथ न किया जाए, लोहे की छुरी के साथ किया जाए। अगर किसी जानवर को स्टील की छुरी से ज़िबा किया गया उसका गोश्त खाना हराम। आयत अल्लाह सिस्तानी कहते हैं एहतियात वाजिब की बिना पर उसका गोश्त खाना क्या है हराम। अगर आपको मालूम हो गया अगर फलां के घर से गोश्त आया है उसने स्टील की छुरी के साथ ज़िबा किया है उसका गोश्त खाना तुम्हारे लिए हराम है, अगर मालूम नहीं हो सका फिर उसकी ताकीद करना जरूरी नहीं है, वो आपकी इज्जत वो आपके लिए जय। और ये मतलब सिर्फ कुर्बानी के लिए, ये मतलब सिर्फ कुर्बानी करी 1.5 साल का मसला है। हर कबीला तस्तीर की छुरी के साथ ज़िबा ना किया जाए, लोहे की छुरी से ज़िबा किया जाए। ये गोली बनवाते हैं किसी से, कोई जानवर बनवाते हैं इस बात का क्या करते हैं। हाँ अलबत्ता एक और रास्ता है एहतियात वाजिब की बिना पर कहा जा रहा है,
احتیاط واجب کا مطلب کیا ہے کہ میرا فتوا یہی ہے اس فتوے میں کسی دوسرے ملک کی طرح ملک ہندو کر سکتے ہیں, اس فتوے میں کسی دوسرے ملک ہند کی طرح رجوع کر سکتے ہیں. اب اگر آئندہ سیستانی کے علاوہ کوئی اور ملک ہند کی اجازت دیتا ہے اس ٹیم کی چھوڑے گی تو اس کی طرح رجوع کر سکتے ہو. جیسا کہ آیت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اس بات کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چار رکے کاٹنا یہ ضروری ہے, زکیر کی چھری ہو یا گھوڑے کی چھری ہو, اس پتے میں آیت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رجوع کر سکتے. اس کے علاوہ اگر کسی اور کوئی کا فتوا ہو اس کی طرح رجوع کر سکتے. اچھا اس کے علاوہ ذبح کرنے والا, ذبح کرنے والا حاجی کے لیے تو ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا شیعہ اسلام حاجی کے لیے ضروری ہے شیعہ اسلام, لیکن جو غیر حاجی ہے مستحب قربانی اس کے لیے صرف مسلمان ہونا شرط ہے. اس طرح آئے ہمارے لیے مسلمان ہونا صرف شرط ہے, اور مسلمان ہونا شرط ہے یہ بھی خیال رکھا جائے کہ کلمہ ہر کلمہ پڑھنے والا نہیں, وہ ذبح کرنے والا جو ہے وہ ذابح جو ہے وہ دشمن اہل بیت بھی نہ ہو, قاضی بھی نہ ہو, نصیر بھی نہ ہو, مقبلہ میں سے بھی نہ ہو, اس بات کا خیال رکھا. ذبح کرنے والا غالب نہ ہو, تو شہری نہ ہو, وہ محمد نہ ہو, دشمن ہے کہ نہ ہو, آپ مسلمان ہو. اس کے علاوہ جانور ناقص الاعضاء نہ ہو, ہاں ناقص الاعضاء کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نقص ایسا عیب جس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کمی والی ہو, چھوٹے موٹے نقص نہیں, تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے, تھوڑا سا سینی ٹوٹا ہوا ہے, یہ ایسا نقص جس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے, ایسا نقص قربانی میں نہیں ہو. اسی جانور کی قربانی ضرور ہے, اگر نہ ملے کوئی جانور تو ہو سکتے ہیں کیونکہ مستحب قربانی, کوئی جانور نہ ملے تو ہو سکتی ہے, لیکن کوشش کی جائے جب پیسے دے رہے ہیں تو چیز کی ایک قربانی ہوتی ہے. لیکن یہ جدید مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نے پھر رابطہ کیا اوکا کی طرف کہ آج کل یہ بکریوں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سینگ ختم کر دیے جاتے ہیں, انہوں نے کہا ان کا ختم کرنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, اس سے قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس قسم کے جانور کی قربانی بھی جائے. بہرحال جس کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے کوئی حل نہیں ہے, اس کی قربانی بھی ہو سکتی. اچھا باقی رہی قربانی میں شرکت, کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ ہمارے برادران اہل سنت خیال اس طرح ہے کہ بڑی قربانی ہے تو سات, چھوٹی قربانی آئے تو ایک. یہ ہمارے برادران اہل سنت کا فتویٰ ہے, اس کے مطابق ہمارے دوست بھی چل رہے ہیں. چھ سال ہو گئے مجھے یہاں, چھ سال سے میں شریف کا مسلسل کہہ جا رہا ہوں, مسلسل کسی پر ذرا بھر بھی اثر نہیں. تو اس میں کتنے شامل ہو سکتے ہیں؟ شامل ہونے کی کوئی حد نہیں ہے, ایک سے سات پر کے ستر تک کو کہا نے لکھا ہے شامل ہو سکتے ہیں. لیکن آئے طرح سیستانی کے ایک وکیل نے کہا, انہیں کہا آپ کس طرح کر سکتے ہیں, آپ جب قربانی کر رہے ہیں تو نیت یہ کر لیں, میں اپنے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام, تمام اپنے آبا و اجداد, اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں. لہذا یہ ثواب زیادہ ہو جائے گا, وہ آبا و اجداد گوشت لے بھی جائیں گے, یہ پریشان نہ ہونا کہ گوشت لے جائیں گے ہم کیا کریں گے, نیند نہیں پکی.
शराब ले जाएंगे, शराब आपके शराब में कमी भी नहीं होगी, इजाफा होगा मजीद, शराब तकसीम नहीं होगा, शराब में इजाफा होगा, उनको भी इसी का उनके साथ मोहब्बत के इजहार से शराब में इजाफा होगा, उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया है इससे शराब में इजाफा होगा। बाकी नहीं कुर्बानी के वक्त की बात, आज ये बात बताता हूँ कि छोटा जानवर या बड़ा जानवर हो, सब में जितने शरीक हूँ वो सकते, छोटे बड़े की बात नहीं, बकरी है, दुम्बा है, भेड़ है या गाय है, जितने भी शरीक हूँ हो सकते हैं, जहाँ यही बात है बस गोश्त हो आएगा ना, ये बात की हकीकत नहीं, ये गोश्त मकसद नहीं है, ये गोश्त हासिल करना है, असल मकसद क्या है, असल मकसद है गुरबत में अल्लाह, अल्लाह का तकर्रुब, अल्लाह की रज़ा को जरूरी, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि लन यनाल अल्लाह लुहुमा वला दिमा, बला की जनाल हुम तक्वा, ये कुर्बानी का गोश्त और खून खुदा तक नहीं पहुंचते, तुम्हारा तक्वा खुदा तक पहुंचा, तक्वा क्योंकि तुमने किस नियत से कुर्बानी की है, किस नियत से कुर्बानी की है, ये नहीं है कि कितना गोश्त आया था आपको, लिहाजा कुर्बानी का जो जानवर है वो लावर बिना हो, जानवर भी ना हो, बीमार भी ना हो, जो उसको जाए यानी उठा कर ले जाया जाए कुर्बानी के लिए, नहीं बल्कि सही तंदुरुस्त जानवर होना चाहिए। कुर्बानी के वक्त की बात, वक्त कौन सा कुर्बानी का, अब कुर्बानी के वक्त की बात है कि आयतला सिस्तानी के मुकल्लदीन के लिए, आयतला सिस्तानी के मुकल्लदीन के लिए कुर्बानी का वक्त क्या है, वो आयत में सिस्तानी फरमाते हैं कुर्बानी का वक्त है जहां ईद नमाज नहीं पढ़ी जाती, वहां सूरज के तलू के 20 मिनट बाद कुर्बानी की जाए, जहां ईद नमाज पढ़ी जाती है ईद नमाज पढ़कर कुर्बानी की जाए, आयत में सिस्तानी का मतलब है, आयत का नजबी है उनका फतवा यह है, वो कहते हैं कि सुबह सादिक के बाद भी कुर्बानी कर सकते हैं मुस्ताहब की कुर्बानी, और सूरज के तुलू के बाद ईद नमाज से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ईद नमाज पढ़कर करना अफजल है, ईद नमाज पढ़कर करना अब कुर्बानी की जाए 10 जुलहज 11 और 12 ये गैर हाजी के लिए, जो हाजी है उसके लिए 13 तक करके सारे महीने लगा लो, सारे उधर हो तो सारे महीने तक कर सकता है, गैर हाजी के लिए सिर्फ 12 दुराज तक, लेकिन जान बुझ कर ताखीर न की जाए 10 दुराज को की जाए अफजल है, हाँ अगर शक आए पता नहीं आज 10 दुराज जो है कह रहे हैं क्या पता है 9 दुराज आए या 10 आए, फिर 11 को कर ले ताकि यकीन, फिर 11 को कर ले ताकि यकीन हो जाए कि मैंने 10 रात को कुर्बानी की 11 को किया, इससे पहले मैंने नहीं। इसके अलावा कुर्बानी के गोश्त की तफसील, मुस्तहब है कि कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तफसील किया जाए, एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा अपने हमसायों को हत्या करने के लिए, दोस्तों को रिश्तेदारों को आम मुसलमानों को हत्या करने के लिए, और तीसरा हिस्सा वो कराव मासा के, 3 हिस्से करना होता। अब ये भी कर सकते हैं तो फिर बाद का कोई आदमी कहता नहीं बस मैं कुछ हाथिया दे दूंगा, कुछ भुमराह दे दूंगा, मैं नहीं क्या करना, मैं नहीं रखता हूं, उसके लिए फिर ये है कि वो अपने हिस्से के लिए बेशक एक पाव निकाले निकाले दो ताकि 3 हिस्से काउंटिंग में आ जाए, अगर वो कुछ नहीं निकालेगा, अगर कुछ नहीं निकालेगा तो 2 हिस्से शुमार होंगे, अगर वो ये कहता है कि फुकरा मसाकीन ज्यादा है ज्यादा आम मुसलमानों का हिस्सा भी अपना हिस्सा भी मैं सब फुकरा को दे दूं, उसमें से थोड़ी सी यानी 1 किलो आधे किलो जितना किसी को हदीयतन दे दे और कुछ आधे किलो जितना एक पाव तो आपने रख ले बाकी फकराओं के साथ इनको दे दीजिए कर सकता है, अलबत्त इस तरह नहीं करना चाहिए कि सारा आप लोग रख दे,
باقی نے قربانی کی کھال, قربانی کی کھال, قربانی کی کھال کہاں دینی چاہیے؟ فقراء مساکین کو بھیج کر, کیا وہ اگر خود بیچے بہتر یہ کہ بیچ کر ان کو قیمت دی جائے فقراء مساکین کو عملی ہوتی ہے. اس کے بعد ادارے ہیں, ادارے سے دینی آدمی ادارے سن لوگی. تیسرے نمبر پر ان تنظیمیں آ جاتی ہیں, تنظیم والے دیتے ہیں. ان کا نمبر تیسرا ہے, اگر وہ تنظیم والے اکٹھے کرنا چاہے کہیں دینا چاہے, ان کا نمبر تیسرا ہے. پہلے جو ہے خود آپ دیکھیں فقراء و مساکین, دوسرے نمبر پر جو ہے منتری ادارے, تیسرے نمبر پر وہ تنظیم. البتہ یہ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, اگر کوئی قربانی کے جانور کی کھال کو بیچ کر خود استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن جو بنانے والا ہے قربانی کو اس میں مزدوری میں وہ نہیں دے سکتا, اس کو مزدوری میں نہیں دے سکتے ہو. اچھا, اس کے علاوہ قربانی کا جانور اگر کسی آدمی کا عقیقہ نہیں ہوا, کسی آدمی کا عقیقہ نہیں ہوا, آیت اللہ فستانی صحیح کے نزدیک کبھی بات آئے اور اس کے یعنی موبائل فون پر موجود ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا, اگر اس کی طرف سے قربانی کی جائے یا اپنی طرف سے وہ قربانی کر لے تو وہ عقیقہ کا بدل ہو جاتی ہے, عقیقہ کا بدل ہو جاتی ہے. ہاں, اس میں ایک شرط ہے کہ ایک کی طرف سے ایک قربانی ہو دوسرے شامل نہ ہو, ایک کتاب سے ایک قربانی ہو دوسرے شامل نہ ہو. ہاں, مطلب وہ دوسری عقیقے والی پابندی اس پر نہیں. مثلاً ہڈیوں کو نہ توڑا جائے, گوشت باہر نہ جائے, یہ پابندیاں ہمارا جواب دائم نہ کھائیں, یہ پابندیاں نہیں ہیں. یہی پابندی ہے کہ ایک کی طرف سے ایک کی جائے اس میں اور شامل نہ ہوں, وہ قربانی عقیقہ کا بدل ہو جائے گی, پھر قربانی بھی ہو جائے گی عقیقہ بھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہے صفائی, صفائی کا اہتمام بھی کیا جائے گا. ہر کار خیر کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے یا بعد میں تو ایسا غیر اخلاقی کام نہ کرنا پڑے جس سے کسی کو تکلیف ہو, یہ بات ضروری, جس سے کسی کو تکلیف ہو. کوئی حرام کام کر کے نیکی کی جائے اس کا کیا فائدہ؟ مثلاً اگر کوئی چمڑی کسی سے گندا لے, چمڑی کسی کی جیب سے نکالے, چمڑی گندا لے کر آگے مجلس کروا دے, آگے مسجد کروا دے, بتاتے خود کہ نفس ہی یہ دونوں اچھے کام ہیں, مسجد کروانا اچھا کام ہے, یہ مجلس کروانا اچھا کام ہے, لیکن چمڑی پیسے لے کر یہ کام کرنا اسلامی نقطہ نگاہ سے ٹھیک نہیں. اسی طرح قربانی کر کے قربانی کی گندگی وغیرہ کسی کے دروازے پر پھینک دینا یا گلی میں پھینک دینا اس طریقے سے کہ آنے والے لوگوں کو یا ماننے والوں کو تکلیف ہو, یہ مناسب نہیں ہے, جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ گندگی پھیلانے والے لوگ, کسی کو تکلیف دینے والے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. قربانی تو کی تھی جنت میں داخل ہونے کے لیے, قربانی تو کی تھی جنت میں داخل ہو, اب قربانی کی گندگی وغیرہ کسی کو تکلیف دے کر جنت سے محروم ہو گئے, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قربانی کریں تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے, قربانی کریں تقرب الہی حاصل کریں, کسی کو تکلیف نہ دے, کسی کو اذیت نہ دے, اس گندگی وغیرہ کے اٹھانے کا اہتمام کرے, اٹھوا کر اس کو بیٹھ پہنوائے. کیا آپ تو فرماتے ہیں النظافت نصف الایمان, صفائی پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آدھے ایمان کو چھوڑ کر ایک قربانی کا ثواب حاصل کرے؟ آدھے ایمان کو چھوڑ کر قربانی کا ثواب حاصل کرنے کون سی عقل مندی ہے؟ لہذا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم قربانی کرتے ہیں لیکن اس کی گندگی وغیرہ کوئی بعد بعد اونلی وغیرہ ہوتی ہے, اس کی آنکھیں ہوتی ہیں, کسی کے دروازے پر نہ پھینکی جائیں یا کسی گلی میں
या कार्तिक है, इससे लोगों को तकलीफ होती है, बाल का देती है, मेरे बाल उठाने वाले नहीं आते कितने नहीं तो फिर वही पर कितने लोगों को तकलीफ होती है। सवाब की बजाय उल्टा गुनाह हो रहा है, उधर कुर्बानी मुस्ताब की है काम जरूरी था, मुस्ताब को अहमियत की है, और जिस काम का ख्याल रख रहा था ख्याल की रखा गया उसको तकलीफ दी गई। اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد والے مطابق